अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैड 2015 में लेसन नंबर 116। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक वॉल स्टेम्प इन मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, कि किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट में हम वॉल स्टेम्प कैसे बनाते हैं, एंड हाउ टू यूज़ पोलर एरे कमांड फॉर स्केल, और आप पोलर एरे कमांड कैसे यूज़ करते हैं किसी भी स्केल में। तो इसके लिए मैं आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाता चलूँ कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ करना है, देख सकते हैं आप। और ऑटोकैड में जाते हैं और यूसी को अपने ओरिजिन पॉइंट में लेके जाते हैं, या फिर यहाँ पे टॉप पे जाते हैं, जैसे मैं क्लोज करके दोबारा से नया व्यू ओपन करता हूँ। ओके तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो काम किया, आपको जितना भी काम किया हमने, वो आपको पता है कि हमने जो है तो यूनिट्स में हमने जो है तो डेसिमल में ही काम किया, क्योंकि जितनी भी हमारे पास ड्राइंग थी सारी सारी डेसिमल में थी। तो आप यूनिट्स चेंज करके भी आप काम कर सकते हैं, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यूनिट पे कैसे काम किया जाता है। अच्छा, तो मैं फिर डेसिमल में ही काम करूंगा और अपने ऑब्जेक्ट पे काम करूंगा। अब इसके लिए मैंने सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि आप देखें एक सर्कल आ गया, दूसरा आ गया और तीसरा, तीन सर्कल है यहाँ पे, और तीसरे के बाद यहाँ पे भी एक है। ओके तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ जी, सी एंटर करता हूँ। टेन एंटर कर दिया मैंने, सी एंटर करता हूँ, टू एंटर करता हूँ मैं, दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए, सी एंटर करता हूँ, फोर एंटर कर देता हूँ, सी एंटर करता हूँ, इसको मैं 1.8 करता हूँ। ओके और अब जो काम करना है वो ये है कि जी आपने यहाँ से एक, मैं यहाँ से एल इंटर करता हूँ इस कॉर्नर से, F8 प्रेस करके, और इस कॉर्नर से भी, ओके। और ये काम करने के बाद मैं इसको एक, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल एंटर करता हूँ इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, इसको ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, और पांच का मैं इसे फॉर एग्जांपल 3 का ऑफसेट देता हूँ या 4 का ऑफसेट देता हूँ, 4 का ऑफसेट दीजिए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, और यहाँ से इस एरिया को ट्रिम कर दें, टी आर डबल इंटर, इसको भी ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ, इसको भी, और यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे जो काम करूँगा वो क्या काम करूँगा जी, मैं इसमें सी एंटर और टू पॉइंट, टू पॉइंट सर्कल में ड्रॉ करता हूँ। ओके एल एंटर करता हूँ, क्योंकि इसके साथ जुड़ रहा है, तो मैं इसको ओ एंटर 0.5 एंटर करता हूँ, ट्रिम टी आर डबल एंटर, सी एंटर, और 2.2p एंटर, टी आर डबल इंटर, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पोलर कमांड यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पे शायद आपको बताया भी कि आज पोलर कमांड भी हम यूज़ करेंगे। पोलर कमांड के लिए आपने क्या करना है जी, पोलर आपने एरे लेना है, सॉरी एरे एरे पे मैं क्लिक करता हूँ,
और आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, कौन सा एरे लेंगे, पोलर एरे, और यहाँ से मिड पॉइंट पे क्लिक करें तो देखें यहाँ पे मेरे पास एरे आ रहे आगे। अब देखने है कि ड्राइंग में कितने, तुम्हारे पास ड्राइंग में जी 3, तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम 3 करने हैं। ओके ट्रिम करें यहाँ से TR, डबल एंटर पे देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। और अब इसको हमने क्या करना है जी, प्रेस पुल कमांड, देखते हैं काम करेगी यहाँ पे, यस करेगी। छुरी में लेके जाते हैं और यहाँ से इसको प्रेस पुल करके इसको मैं यहाँ से कितना लाना है जी, 3। ओके और ये जो चीज़ है इसको हमने ज़्यादा लाना है, तो शेयर देता हूँ इसको, इलास्टिक शेयर दिया मैंने। प्रेस पुल कमांड लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से लाता हूँ जी 7। ओके तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये देखें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, लेकिन एक और काम करते हैं कंट्रोल जेड, काम ये कि आपने यहाँ से ये जो सर्कल है इसके बीच में भी यहाँ पे देखें तो आपके पास इस सर्कल के बीच में भी देखें यहाँ पे कुछ बना हुआ है, देख सकते हैं, तो इस पे भी काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी एंटर करता हूँ यहाँ पे, जीरो पॉइंट फोर, और इसको भी एरे करना है, ए एंटर, इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, पोलर एरे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ से नंबर ऑफ आइटम बढ़ा दें, 6 है तो आप 12 कर लें। ओके ट्रिम करें इनको, TR, डबल एंटर, कंट्रोल सेट, TR, एंटर, पहले इसको ट्रिम करता हूँ, TR, डबल एंटर, AR, एंटर, पोलर एरे 12, अब ट्रिम करेगा, TR, एंटर, पहले इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ज्वाइन जोड़ जुड़ जाते हैं तो फिर ये इसलिए नहीं कर रहा था। ओके इन सब पे मैंने यहाँ पे एरे कमांड अप्लाई कर ली और अब देख सकते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है। ओके इसको बी ओ एंटर करें, पिक पॉइंट, ओके अब देखते हैं इसको 3D में लेके जाके काम करते हैं कि नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्रेस पुल कमांड यूज़ करूँगा, री एंटर, एट करता हूँ या 6 करता हूँ, एट एंटर, और यहाँ से इसको मैं ये इलास्टिक व्यू में लेके आता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देखिए तो आपके पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर दें बेशक, कंट्रोल जेड। ओके तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया है, और इसको यूनियन करना है तो यूनियन करने के लिए आप क्या करेंगे, सॉलिड यूनियन पे क्लिक करें और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, ताकि
तो आपका ऑब्जेक्ट यूनियन हो गया और आपके पास ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। ओके चलाना है इसको, तो यहाँ से ऑर्बिट है, फ्री ऑर्बिट भी क्लिक करें। यहाँ से ऑर्बिट, कंटिन्यू ऑर्बिट, F8, चल रहे जी, आप ऑर्बिट देख सकते हैं। ओके तो ये था जी हमारा आज का लेसन, और आज आपने क्या सीखा जी? आज आपने सीखा है कि एक वॉल स्टेम एक मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह में भी ये चीज़ यूज़ होती है अक्सर। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।